तो आइए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी दो भाइयों की है। एक जंगल के पास दो भाई रहा करते थे। इन दोनों में से जो बड़ा भाई था वो छोटे भाई के साथ बहुत ही ख़राब बर्ताव किया करता था। जैसे कि वो प्रतिदिन छोटे भाई का सब खाना खा लेता था और उसके साथ में छोटे भाई के नए कपड़े भी खुद ही पहन लेता था। एक दिन बड़े भाई ने तय किया कि वो पास के जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ लाएगा, जिसे कि वो बाद में बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाएगा। जैसे ही वह जंगल में गया, वहीं वो बहुत से पेड़ काटे, फिर ऐसे ही एक के बाद एक पेड़ काटते काटते उसका पैर एक पेड़ से लगा। अब पेड़ पे जैसे ही उसका पैर लगा, पेड़ ने कहा, अरे मेहरबान सर, कृपया मेरी शाखाएं मत काटो। अगर तुम मुझे छोड़ दो तब मैं तुम्हें एक सुनहरा सेब दूंगा। वह उस समय सहमत हो गया, लेकिन उसके मन में लालच जागृत हुआ। उसने पेड़ को धमकी दी कि अगर उसने उसे ज़्यादा सेब नहीं दिया तो वह पूरा जड़ से ही पेड़ को काट देगा। ऐसे में जादुई पेड़, बजाय बड़े भाई को सेब देने के, उसने उसके ऊपर सैकड़ों सुइयों की बौछार कर दी। इससे बड़े भाई को दर्द के मारे ज़मीन पर लेट कर रोने लगा। अब दिन धीरे धीरे ढलने लगा था। वहीं छोटे भाई को चिंता होने लगी कि बड़ा भाई अभी भी जंगल से वापस नहीं आया, इसलिए वह अपने बड़े भाई की तलाश में जंगल चला गया। उसने उस पेड़ के पास बड़े भाई को दर्द में पड़ा हुआ पाया, जिसके शरीर पर सैकड़ों सुई चुभी थी। उसके मन में दया आई। वह अपने भाई के पास पहुंचकर धीरे धीरे हर सुई को प्यार से हटा दिया। ये सभी चीज़ें बड़ा भाई देख रहा था और उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था कि उसने छोटे भाई के साथ किस गलत तरीके का बर्ताव किया था। अब बड़े भाई ने उसके साथ बुरा बर्ताव करने के लिए छोटे भाई से माफ़ी मांगी और बेहतर होने का वायदा किया। पेड़ ने बड़े भाई के दिल में आए हुए इस परिवर्तन को देखकर उन्हें एक सुनहरा सेब दिया, जिससे चलकर आगे वो उससे कुछ भी चीज़ प्राप्त कर सकते थे। सुनहरा सेब प्राप्त करने के बाद दोनों भाई खुशी खुशी घर आ गए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सभी को दयालु और शालीन बना रहना चाहिए। हमेशा अपने छोटे और बड़ों की इज्जत करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जीवन में हमें हमेशा किसी न किसी प्रकार से जीवन हमें पुरस्कृत करता है। धन्यवाद।